हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ अंतःस्रावी बाह्यस्रावी एंड निःसृत ग्लैंड यानी ग्रंथियों रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल वीडियोज चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। जैसा कि केवीएस का एग्जाम डेट आउट हो गया है, आपके पास बहुत ही कम समय है, एक भी सेकेंड का आप बर्बाद मत कीजिए। जितना भी आपके पास दम है उतना लगा दीजिए, जो एग्जाम होगा वो देखा जाएगा, बट आप अपने आप से कमी मत कीजिए। जैसा कि दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन यानी जिसमें नलिका नहीं होती, उन ग्रंथियों को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि हम इंग्लिश में से कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसा कि दोस्तों, ये ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हूं, उस वीडियो को जा करके आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, ग्रंथि यानी कि शरीर में उपस्थित छोटे छोटे थैले होते हैं जिसमें हार्मोन्स या तो एंजाइम भरे रहते हैं या दोनों भरे रहते हैं। इसी दोनों के स्टोरेज को ग्रंथि या ग्लैंड बोलते हैं। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जो हार्मोन स्रावित करता है, एंड जो ब्लड ब्लड के संपर्क में रहता है, सीधे अपने हार्मोन को रक्त में सप्लाई करता है। और दूसरा होता है वह स्रावी यानी नलिका युक्त, जिसमें नलिका होती है, इसमें एंजाइम स्रावित होता है और यह ब्लड के संपर्क में नहीं आता। और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं, जिसे कहते हैं, जिसमें एक ही आता है आपका अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी नलिका विहीन ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसमें हार्मोन स्रावित होता है, उसमें पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एंड सेक्स ग्लैंड आता है। एंड बाह्यस्रावी ग्रंथियों में लीवर, लार ग्रंथि, दूध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि आते हैं, जो एंजाइम स्रावित करते हैं, जो हमारा अमाशय, इंस्टेंटाइन, स्टोमच, ये सभी भी बाह्यस्रावी यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियों में आते हैं। एंड मिश्रित ग्लैंड में अग्नाशय आता है। इसमें से आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा के में एंडोक्राइन से क्या तात्पर्य है? तो एंडोक्राइन से तात्पर्य है अंदरूनी स्राव यानी कि अंतःस्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है? तो दोस्तों, हार्मोन का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है उत्तेजित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? दोस्तों, कई बार कंफ्यूज करता है, मास्टर ग्लैंड न लिख करके हिंदी में लिख देता है प्रमुख ग्रंथि, और वहां इंग्लिश में वर्जन में रहता है मास्टर ग्लैंड, तो इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा। मास्टर ग्रंथि, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, और इसी के उत्तेजित करने से वो सब भी काम करते हैं। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने और कौन से लोब होते हैं? तो दोस्तों, इसमें दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब होता है, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, यह पीयूष ग्रंथि का 3/4 भाग होता है। इसमें कुल 7 हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिसमें से आपका सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, एंड इसके अलावा आपका
होता है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन से बोला जाता है, एंड तीसरा होता है एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो एडिनल ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, चौथा है थायरोट्रॉफिक हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, पांचवा है लैक्टोजेनिक हार्मोन जो दुग्ध निर्माण करता है, एंड छठवां है डायबेटोजेनिक हार्मोन जो उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है, और सातवां होता है मिनेरोसाइट प्रेरक हार्मोन्स जो हमारे त्वचा की कोशिकाओं को मिनरिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा को रंग प्रदान करता है, रंग को प्रभावित करता है। एंड दूसरा पाली होता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब से ओनली दो हार्मोन स्थापित होते हैं, वैसोप्रेसिन जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जिसे हम मूत्र स्त्राव रोधी, मूत्र रोधी यानी एंटी डायूरेटिक भी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीटोक्सिन यानी कि पश्चपाली यानी पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन स्थापित होते हैं, पहला है वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, जिसमें से एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जो होता है वह क्या करता है कि ब्रिक यानी कि जो हमारा नेफ्रान होता है या किडनी होता है, किडनी की नेफ्रान नलिकाओं यानी कोशिकाओं में जल का अवशोषण करता है और जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम कर देता है, इसी कारण इस वैसोप्रेसिन को मूत्र रोधी या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। और ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन क्या होता है दोस्तों, यह दुग्ध का स्त्राव करता है, जब जैसे कि दोस्तों देखते हैं कि जो भी गाय बैल होते हैं वो उसको जब दूध नहीं होता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो वो ज्यादा दूध देने लगते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड होती है पीस ग्रंथि, वह खोपड़ी के निचले हिस्से और स्पिनाइड हड्डी के पास स्थित होती है, शिला दर्शिका गर्त में, ठीक है। नेक्स्ट है वह कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो वह कौन सी ग्रंथि होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, यह अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड यानी प्रमुख ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के यानी ग्रंथि के एंटीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, तो यहां पे जो दिया है थायरोट्रोपिन हार्मोन्स, इसके अलावा छह और हार्मोन स्त्रावित होते हैं जिसका नाम मैं बता चुकी हूं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, तो दोस्तों केवल दो हार्मोन स्त्रावित होते हैं, जो होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन बोला जाता है और ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है, तो यह करती है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स जिसे ग्रोथ हार्मोन्स भी बोला जाता है, इसकी कमी से लोग बौना रह जाते हैं और पिट्यूटरी मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो यह पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले थायरोट्रोफिन हार्मोन जो होता है वह थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है वह एड्रिनल ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है पुरुष और महिलाओं के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्त्राव को कौन नियंत्रित करता है, तो लिटिंजिंग हार्मोन जो है वह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु को दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है, तो दुग्ध स्त्राव के लिए दोस्तों कौन सा हार्मोन स्त्रावित सहायक होता है, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब से निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है मानव शरीर के चय अपचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है। दोस्तों तो सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म में यानी चय अपचय उपापचय क्रिया को नियंत्रित करती है थायराइड ग्रंथि। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहां स्थित होती है, तो यह स्थित होती है गले के पास सामने की ओर ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर के समस्त उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो दोस्तों इसके कमी से होता है बच्चों में क्रिटिनिज्म जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, और वयस्कों में मिक्सीडीमा ये बीमारी होती है जो व्यक्ति मोटा व आलसी हो जाता है, दिमाग कम काम करता है, उसकी चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन के ज्यादा स्त्रावित होने से कौन सी बीमारी होती है, तो इसके ज्यादा स्त्रावित होने से घेंघा रोग हो जाता है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, इससे चयापचय क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है, ज्यादा भूख लगेगा आपको और इसके अधिकता से होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्त्रावित होने से। कम स्त्रावित होने से क्या हो जाएगा, मिक्सीडीमा और बोनापन हो जाता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड यानी पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरमोन हार्मोन निकलता है। यह जो तो पैराथायरमोन हार्मोन क्या करता है, जैसा कि पैराथायर ग्रंथि जो होती है वह थायर ग्रंथि के पीछे चार की संख्या में मटर के दाने के समान होता है, छोटे छोटे दानों के समान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराथायराइड ग्लैंड का क्या कार्य है, तो दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है तथा रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रित मात्रा को नियंत्रित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाइमस ग्लैंड कहां पर स्थित होता है, तो थाइमस ग्लैंड जो होता है वह थोरेक्स यानी कि वक्ष में स्थित होता है, और यह थाइमस ग्लैंड जो होता है वह लिम्फ के निर्माण में भी सहायक होता है, लिम्फेटिक अंग भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम सुपर रीनल ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड कहां पर स्थित होती है, जैसा कि आप सबको पता है किडनी के ऊपर स्थित होती है, दोनों किडनी के ऊपर। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसके कॉर्टेक्स से निकलता है कॉर्टिसोल हार्मोन। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूलरी नामक स्थान से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूलरी नामक हार्मोन नामक स्थान से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन, क्या निकलता है, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन, ठीक है। जैसा कि दोस्तों जो एड्रिनेलिन हार्मोन है वह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से नहीं यानी कि सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र से जो उत्तेजना के समय गुस्सा के समय और अचानक हुई क्रियाओं के समय कार्य करता है, उसको होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन, एड्रिनेलिन हार्मोन। और दोस्तों एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन यानी फाइट ऑफ और फ्ले हार्मोन भी बोला जाता है और पेस मेकर भी बोला जाता है,
और यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अतः मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है एड्रेनलिन हार्मोन, जैसे कि क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर, यह बढ़ जाता है जिसके कारण रक्तदाब भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो लड़ो या ओ हार्मोन, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने वाले हार्मोन और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन होती है? एड्रेनल हार्मोन, जो एड्रेनल ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनल कॉर्टेज से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है हाइड टो कॉर्टिको कॉर्टियो एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। नेक्स्ट है, थाइमस ग्लैंड का कार्य क्या है? तो दोस्तों ये थाइमस ग्लैंड शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया से रक्षा करता है। जैसे कि दोस्तों बड़े होने पर जितना ही ज्यादा आपका उम्र होगा थाइमस ग्लैंड आपका खत्म होने लगता है। जैसे कि बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है थाइमस ग्लैंड, जिससे कि आप देखते हैं कि छोटे बच्चे मिट्टी भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, आराम से पचा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एंटीबॉडीज की ज्यादा संख्या होती है बैक्टीरिया से लड़ने की। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीरियर लोब से स्थापित होता है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, और थायरोट्रॉफिक हार्मोन्स। इसके अलावा 4-5 हार्मोन और होते हैं जिसे मैं बता चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिकोना आकार का कौन सा ग्लैंड यानी ग्रंथि होता है? तो दोस्तों पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि जो होता है तिकोने आकार का होता है, जो मिक्स ग्लैंड है हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्थावर करती है। नेक्स्ट है, हार्मोन्स की खोज किसने किया था? तो इर्मेस्थेनी स्टर्लिटी ने 1905 में किया था, स्टर्लिंग ने। नेक्स्ट है, हार्मोन्स को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्रंथियों से कौन कौन से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्रंथियों से कौन कौन से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? तो इसमें निकलता है पेप्टाइड हार्मोन्स, एमीन हार्मोन्स एंड स्टेराइड हार्मोन। ठीक है, जिसमें से पेप्टाइड और एमीन दोनों पानी में घुलनशील होता है, स्टेराइड हार्मोन दोनों पोसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टाइड में कौन से हार्मोन आते हैं? तो पेप्टाइड के अंतर्गत आता है हाइपोथैलेमस एंड सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड हार्मोन के लिए सही कथन है? तो इसके लिए सही कथन है कि यह पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है, एमीन हार्मोन के लिए सही कथन है? तो इसके लिए भी सही कथन यह है कि पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है, एमीन हार्मोन के लिए अंतर्गत आते हैं, तो एमीन हार्मोन के अंतर्गत आता है एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है, स्टेराइड हार्मोन के लिए कथन सही है? कौन है दोस्तों? यह वसा में घुलनशील है एंड नेक्स्ट है, स्टेराइड हार्मोन्स में कौन से हार्मोन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है एंड्रोजेनस, एस्ट्रोजेनस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र के लिए सामंजस्य बैठाने का कार्य दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है?
तो अंतःस्थायी तंत्र के लिए जो भी सामंजस्य स्थापित करने का काम होता है यह हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है चयापचय का शक्ति उत्तेजक किसे कहा गया है, तो इसको कहा गया है आयोडीन को। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन किस हार्मोन से पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कौन से दो हार्मोन्स का स्त्राव होता है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागन। जैसा कि दोस्तों जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिका होता है यह आपका पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आग्नाशय ग्रंथि, आग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय जो है यानी कि पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाओं में चार प्रकार का सेल पाया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागन हार्मोन स्थापित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, और बीटा सेल से इंसुलिन स्थापित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है, और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्त्रावित होता है जो इंसुलिन व ग्लूकागन के दोनों पर नियंत्रण करता है, दोनों के अधिक स्त्रावण को नियंत्रित करता है, और एफ सेल से स्त्रावित होता है पॉलीपेप्टाइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, तो अल्फा सेल से स्त्रावित होता है ग्लूकागन, जो क्या कार्य करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है, और इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित कर पाता है, और ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है, जिससे हम मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फास्टिंग हार्मोन किसे कहा जाता है, तो फास्टिंग हार्मोन बोला जाता है इंसुलिन को, ये विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लीवर तथा मांसपेशियों के ग्लाइकोजिन को क्रियान्वित करता है, तो कौन सा हार्मोन कहता है, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन यानी कि एडिनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआर का पूरा नाम क्या है, तो बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, नेक्स्ट है बीएमआई का पूरा नाम क्या है, तो बीएमआई का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। क्या नाम है पूरा, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है अभ्यास के कारण इंडोक्राइन ग्रंथियों के हार्मोन के स्त्रावित होने के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जितना हम अभ्यास करेंगे हमारी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स होती है वो और अच्छी मात्रा में स्त्रावित होगी, तो इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के स्त्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों तो सभी के हार्मोन्स के स्त्राव पर प्रभाव पड़ेगा कि वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चिम भाग यानी पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो दोस्तों दो हार्मोन निकलता है जिसे वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है अभ्यास कर और सेक्स हार्मोन्स के स्त्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें भी आपका प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स हार्मोन्स के स्त्राव के बढ़ जाने पर खेल प्रदर्शन और मांसपेशियों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों इसमें सुधार आता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाने पर मांसपेशी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ती है। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्त्राव बढ़ जाने पर खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। किसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है,
तो कार्टिकोस्टेरॉइड का स्त्राव बढ़ने पर खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को करता है। नेक्स्ट, किस दशा में मानसिक व शारीरिक वृद्धि मंद हो जाती है? तो थायराइड ग्रंथि के कम स्त्रावण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपना तैयारी कीजिए, अपने टाइम को एक सेकेंड भी मत गवाइए, और मन प्रसन्न करके तैयारी कीजिए। कोई भी मानसिक टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप जितना ही टेंशन लेंगे आप उतना ही नीचे जाएंगे। इसलिए फ्री होकर के काम कीजिए, जो होगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।